तो प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया। उन्होंने सीधे और सधे हुए अंदाज में जिन्ना की अलगाववादी सोच पर करारा प्रहार किया है। मोदी ने एएमयू के शताब्दी समारोह में बोलते हुए नए भारत का खाका खींचा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उसका शानदार इतिहास याद दिलाते हुए आह्वान किया कि वक्त आ गया है कि सभी देश के विकास के लिए एकजुट होकर काम करें, जैसा आजादी की लड़ाई में किया था। एएमयू में मोदी की जयकार, जिन्ना की अलगाववादी सोच पर प्रहार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद सधे हुए अंदाज में जिन्ना की अलगाववादी सोच पर चोट की। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि हम मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ें और देश को बुलंदी तक ले जाएं, जिससे हिंदुस्तान का इस्तकबाल पूरी दुनिया में ऊंचा हो। पिछली शताब्दी में मतभेदों के नाम पर बहुत वक्त पहले ही जाया हो चुका है। अब वक्त नहीं गंवाना है, सभी को एक लक्ष्य मिलकर, एक लक्ष्य के साथ मिलकर नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आपको हर पल देश के लिए सोचना है, अपने हर फैसले में देश हित सोचना है, आपका हर निर्णय देश हित को आधार बनाते हुए ही होना चाहिए। न्यू इंडिया के विजन की जब हम बात करते हैं तो उसके मूल में भी यही है कि राष्ट्र के, समाज के विकास को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। हां, जब हम इस बड़े उद्देश्य के लिए साथ आते हैं तो संभव है कि कुछ तत्व इससे परेशान हो। ऐसे तत्व दुनिया की हर सोसाइटी में मिल जाएंगे, लेकिन जब हमारे मन और मस्तिष्क में नए भारत का निर्माण सर्वोच्च होगा तो ऐसे लोगों का स्पेस अपने आप में सिकुड़ता जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शताब्दी वर्ष सिर्फ एएमयू के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए गौरव का वर्ष है। उन्होंने यहाँ पढ़ने वाले रिसर्च स्कॉलरों से कहा कि जंगे आजादी में योगदान देने वाले सेनानियों के बारे में रिसर्च करें। 75 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और 25 महिला स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। पुरानी पांडुलिपियों को डिजिटल फॉर्मेट में दुनिया के सामने लाएं। आपको हर पल देश के लिए सोचना है, अपने हर फैसले में देश हित सोचना है, आपका हर निर्णय देश हित को आधार बनाते हुए ही होना चाहिए। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपनों को पूरा करेंगे। हम सब मिलकर देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 64 साल बाद देश के किसी प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ। मोदी ने जिन्ना की समाज को बांटने वाली सोच पर प्रहार किया और राष्ट्रवाद का पाठ एएमयू को पढ़ाया। तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो हम मिलकर के हासिल न कर सके। शिक्षा हो, आर्थिक विकास हो, बेहतर रहन सहन हो, अवसर हो, महिलाओं का हक हो, सुरक्षा हो, राष्ट्रवाद हो, ये जो चीजें हैं जो हर नागरिक के लिए जरूरी होती है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम अपनी राजनीतिक या वैचारिक मजबूरियों के नाम पर असहमत हो ही नहीं सकते। मोदी ने उम्मीद जताई कि एएमयू से जुड़ा हर व्यक्ति देश हित और समाज के विकास के लिए काम करेगा। इस वक्त एक बड़ी खबर अभी आ रही है, इससे पहले वो खबर जान लीजिए। कोलकाता से ये बड़ी खबर है, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। कोलकाता में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और दमकल की 15 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। उल्टा डांगा में रिहायशी इलाके में ये भीषण आग है और आसपास के इलाके में ये फैल रही है आग। लगातार दमकल कर्मी वहां पे मौजूद है जो लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और आग का भयावह रूप आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोलकाता में ये आग लगी है और तेजी से अब ये आग फैल रही है। रिहायशी इलाके में ये आग लगी है, इस वजह से परेशानी भी हो रही है उसे काबू में कर पाने में।
कई घर भी इसके जद में आ चुके हैं, जिस वजह से वो खाक हो चुके हैं। यानी आग का तांडव आप देखिए। कोलकाता में आग से किस तरह से हाहाकार मचा है, दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। केमिकल फैक्ट्री में आग लगी और कई लोगों के घर भी इस आग में जलकर खाक हो गए। दमकल कर्मी वहां पे मौजूद हैं और लगातार कोशिशें की जा रही है इस आग को काबू में करने की। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बात ऐलानिया तौर पर कही है कि देश में बड़ा कुछ नहीं, देश से बड़ा कुछ नहीं, और जो देश का है उस पर सबका हक है, और जो लोग भाषा और धर्म के आधार पर नफरत के बीच बोते हैं उनके लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है इस मुल्क में। और उन्होंने एएमयू में सबका साथ सबका विकास की बात भी की, और साथ ही यह भी कहा कि यह तभी संभव है जब साथ मिलकर राष्ट्र की तरक्की के लिए हम काम करें। एएमयू के लिए ये तारीखी दिन है। नमस्कार। मोदी के संबोधन का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए गहरा अर्थ है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए और यहाँ के टीचर्स के लिए, यहाँ के स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, पूरी दुनिया में जो यहाँ के अलीग बिरादरी जो फैली हुई है 100 से ज्यादा देशों में, वो आज उनके लिए ईद का दिन है। इधर के हों या उधर के, समाज में जहर घोलने वालों को भी मोदी ने कड़ा संदेश दिया और कहा कि जो देश का है उस पर सबका हक है। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां का प्रत्येक नागरिक संविधान से मिले अपने अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहे, अपने भविष्य को लेकर के निश्चिंत रहे। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। मोदी ने एएमयू में बोलते हुए कहा कि दुनिया के हर समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन वही समाज आगे बढ़ता है जो राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए अपने मतभेदों को भुला देता है। समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। जब आप सभी युवा साथी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो हम मिलकर के हासिल न कर सकें। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग तक सरकारी योजनाएं पहुंचा रही है, लिहाजा एएमयू से जुड़ा हर शख्स भी भेदभाव भुलाकर राष्ट्र की तरक्की में योगदान दे। अभी तो मोहब्बत की शुरुआत है, जाहिर है मोहब्बत की शुरुआत है, मोहब्बत की इंतहा भी होगी, संवाद भी होगा, गुफ्तगू भी होगी, और यहाँ के इस इदारे का मुस्तकबिल और भी रोशन होगा। आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उम्मीद है कि पीएम की बातों का असर दूर तक होगा और एएमयू से निकला राष्ट्रवादी विचार दुनिया में देश का मस्तक और ऊंचा करेगा। तो मोदी जो सपना देख रहे एएमयू को लेकर वो कैसा हो, जरा इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिकली। मजहब से ज्यादा देश की तरक्की की सोच पैदा करे, बेटियों की उच्च शिक्षा को तरजीह दे, ये है मोदी का विजन। इतना ही नहीं, एएमयू में मुस्लिम लड़कियों की संख्या 35%, मुस्लिम लड़कियों का ड्रॉपआउट रेट है 70 से घटकर 30% हुआ, और स्कूलों में शौचालय बढ़ने से ड्रॉपआउट रेट घटा है। यहां कुरान, गीता समेत दुनिया के कई ग्रंथ मौजूद है, और कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत करने के लिए काम करे तो यह होगा सपना पूरा, तभी यह बात आगे बढ़ेगी। और एएमयू को लेकर प्रधानमंत्री की सोच ऐसी रही। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उस खबर को हम आपको बताते हैं, क्योंकि गुरुवार को विश्व भारती विश्वविद्यालय में पीएम का संबोधन है सुबह 11 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम शताब्दी समारोह में होगा पीएम का संबोधन, और विश्व भारती विश्वविद्यालय के चांसलर हैं पीएम, और वहां पर उनका संबोधन होने वाला है। तो करीब 100 साल पहले शिक्षा के जिस मंदिर की नींव सर सैयद ने रखी थी, अब वो
बटवृक्ष बन चुका है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस सफर में कई खट्टी मीठी यादें जुड़ी है। कई बार छात्रों ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए तो कई बार देशद्रोही गैंग के समर्थन में भी नारेबाजी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तमाम जख्मों को भर दिया और गंगा जमुनी तहजीब को आदर्श मानते हुए एएमयू को बताते हुए कहा कि देश आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। जी का हम बहुत वेलकम करते हैं कि उन्होंने एमयू के साथ एसोसिएट होकर यह साबित कर दिया कि वो देश के मुसलमानों के साथ और देश के छात्रों के साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर विचारधाराओं की आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो दैट इज़ वेरी गुड। प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आता है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से हमें किसी तरह से देश की तरक्की में बाधा नहीं बनना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होता जेंडर के ऊपर, यहाँ पे फीमेल्स को भी उतना ही अपॉर्चुनिटी मिलती है जितनी मेल्स को मिलती है। मैं खुद यहाँ पे पढ़ रही हूँ, यहाँ से PhD कर रही हूँ। हम लोगों ने जितनी मतलब जो कुछ भी आज हम हैं, हम यहाँ पे बने हैं क्योंकि हम यहाँ मतलब ये नहीं कि हम लड़की हैं तो हमें कुछ नहीं करने को मिला। हमने आज जो कुछ अचीव किया है, इतना अच्छा हमने काम किया है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम AMU में पढ़े। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को संशय भरी नजरों से देखने वालों के लिए भी PM का संदेश साफ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मिनी इंडिया नजर आता है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। AMU में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान के मैन्युस्क्रिप्ट है तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। मोदी की इस बात से यहाँ के छात्रों का जोश हाई है और तमाम शिकवा शिकायतें भी दूर हो गई। मुझे PM की सबसे अच्छी बात लगी यहाँ पे कि उन्होंने हमारे AMU कैंपस को एक मिनी इंडिया मॉडल बताया कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा जा सकता है। मोदी के संबोधन से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े छात्रों और कई पुराने टीचर्स ने जमकर सियासी जहर बोया। इनमें मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब भी हैं, जिन्होंने PM के संबोधन को भी जहर बोला था। हिंदुस्तान के पुराने कल्चर को मिसरीड कर रहे हैं, तो ये तो कोई यूनिवर्सिटी के लिए इज्जत की बात नहीं मालूम होती मुझे। PM ने समाज में जहर घोलने वाले बयानबाजों को आज करारा जवाब दिया। उन्होंने अपने विकासवादी विजन से पूरी पिक्चर साफ कर दी और बता दिया कि राष्ट्र निर्माण से बड़ा उनके लिए कुछ नहीं है। न्यू इंडिया के विजन की जब हम बात करते हैं तो उसके मूल में भी यही है कि राष्ट्र के समाज के विकास को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। हाँ, जब हम इस बड़े उद्देश्य के लिए साथ आते हैं तो संभव है कि कुछ तत्व इससे परेशान हो। ऐसे तत्व दुनिया की हर सोसाइटी में मिल जाएंगे, लेकिन जब हमारे मन और मस्तिष्क में नए भारत का निर्माण सर्वोच्च होगा तो ऐसे लोगों का स्पेस अपने आप में सिकुड़ता जाएगा। जाहिर है PM मोदी की बातों का गहरा असर होता है और पूरे देश को एक संदेश जाता है। AMU के शताब्दी समारोह में उन्होंने देश के नव निर्माण का जो खाका खींचा है वो न सिर्फ AMU की नई तस्वीर बनाएगा बल्कि देश को भी तरक्की के नए रास्ते पर ले जाएगा।